नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास जो गिवन फॉर्म है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। हमारे पास दो फॉर्म होती है, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन में रेडिकल फॉर्म गिवन है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हमारे पास गिवन है √3/4। अगर इधर कोई वैल्यू नहीं लिखी हो तो बाय डिफॉल्ट इधर टू होता है। अब इसको कन्वर्ट करने का आसान तरीका यह है कि जो इसके अंदर वैल्यू होती है रेडिकल साइन के अंदर, उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। तो रेडिकेंट को हम एज इट इज लिख देंगे, और जो इधर इंडेक्स की जगह वैल्यू होगी, अगर इधर कोई वैल्यू नहीं तो बाय डिफॉल्ट इधर टू होता है, तो इधर हम इंडेक्स की वैल्यू इधर लिख देंगे। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट टू की तरफ। तो पार्ट टू हमारे पास है एक्स ओवर वाई होल पावर 5। इधर भी हमारे पास यहाँ रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ इंडेक्स नहीं गिवन, तो बाय डिफॉल्ट इधर टू होता है। इसका आसान तरीका यह है कि जो भी यहाँ वैल्यू अंदर गिवन हो इस रेडिकल साइन के अंदर, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। और जो भी यहाँ इंडेक्स की वैल्यू, जैसे इधर इंडेक्स टू है, तो उसको हम, वैसे तो हम 1/2 करके लिखते हैं, 1/2, पर इधर हमारे पास ऑलरेडी पावर 5 थी, तो √5। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स ओवर वाई 5/2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट थ्री की तरफ। तो पार्ट थ्री हमारे पास गिवन है वाई ओवर एक्स होल पावर -5। इसमें हमारे पास पहला स्टेप ये है कि जो अंदर हम वैल्यू लिखी होती है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, वाई ओवर एक्स होल पावर -5। और जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे उस जो अंदर पावर, अगर अंदर हमारे पास यहाँ पावर गिवन है, तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई ओवर एक्स होल पावर -5/3। पर अमूमन हम पावर को नेगेटिव में नहीं लिखते, तो अगर हमने पावर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाएंगे, और न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाएंगे, और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर की जगह पे ले जाएंगे। तो एक्स को हम वाई की जगह पे ले जाएंगे, और वाई को हम एक्स की जगह पे, तो हमारे पास ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स ओवर वाई होल पावर 5/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस पार्ट पर। वो करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट फोर की तरफ, जो हमारे पास है वाई जेड होल पावर 7। इसका आसान तरीका ये है कि जो हमारे पास यहाँ रेडिकेंट की वैल्यू लिखी होगी, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, वाई जेड होल पावर 7। और जो हमारे पास इधर इंडेक्स की जगह वैल्यू है उसको हम 1/3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई जेड 7/3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट फाइव। पार्ट फाइव में हमारे पास है 27 रेडिकेंट है, और इंडेक्स का हमारे पास क्या है, 9। तो इसका आसान तरीका है कि रेडिकेंट को हम एज इट इज लिख देंगे, और इंडेक्स को हम इस तरह लिखेंगे, 1/इंडेक्स लिखते हैं, तो 1/9। अब हमें पता है कि 27 क्या है, 3 का क्यूब रूट है।
क्यूब है, क्यूब है, क्यूब रूटी 27 हमारे पास 3 का क्यूब है, 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 3/9, 3 1 3, 3 3 9, तो ये हमारे पास हो गया 3 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 हमारे पास है -64 होल स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और उसके ऊपर हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पावर गिवन है वो अगर हमारे पास इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमारे पास यहाँ गिवन है 2, और 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अगर पावर इवन होगी तो हमारे पास ये सिंबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 64 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मतलब होता है एक ही नंबर दो दफा मल्टीप्लाई हो, तो 64 × 64। और ये माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस होता है। तो किसी भी हमारे पास जैसे ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यू -36 और इस पे ऊपर पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो या कोई भी इवन नंबर हो, तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर की, नेगेटिव साइन की वैल्यू इवन है, पावर इवन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 स्क्वायर, और इसके रूट का साइन हटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 1/3। तो 64 2 1 2 / 3, 64 2/3, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारे पास जस्ट इधर गिवन था कि हमने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 की तरफ, जो हमारे पास है (1/2)^(mn)। इसका आसान तरीका है, जो हमारे पास ये रेडिंग एंड वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 1/2(m)(1)। जो इधर इंडेक्स की वैल्यू होगी उससे हम इसको इधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2(m/3)। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8। पार्ट 8 हमारे पास है (x, y)³ और इंडेक्स की वैल्यू, रूट की इंडेक्स की वैल्यू है 5। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ये हम रेडिकेंट की वैल्यू हम इसको एज इट इज लिख देंगे, (x, y)³, और जो हमारे पास ये इंडेक्स की वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई 1/ इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा (x, y)³/5। तो ये हमारे पार्ट 8 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 की तरफ। तो पार्ट 9 हमारे पास है (3)/4)/3। बाय डिफॉल्ट अगर यहां कोई नंबर नहीं हो तो इसको हम लिखते हैं 2। तो अगर हमारे पास इस तरह हो तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये इंडेक्स है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक ही रेडिकल साइन लिखेंगे, और 3 × 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 4/3। ये हमारे पास हो जाएगा 4/3, और ये हमारे पास वैल्यू आएगी 6 4/3।
अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, जो ये अंदर वैल्यू होगी इसको हम एज इट इज लिख देंगे 4/3, और जो हमारे पास यहाँ इंडेक्स की वैल्यू होगी इसको 1/इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अगर आपको ये समझ नहीं है तो इसका दूसरा तरीका ये है कि पहले हम इस अंदर वाली वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हम फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको बाय वाले रेडिकल साइन को एज इट इज लिख देते हैं, और ये अंदर वाले को 4/3 और पावर आ गई 1/2। अब इसको हम एज इट इज लिख देंगे और उसकी होल पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/3 पहले इसकी पावर 1/2 थी, और जब रेडिकल साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये होगा 4/3 होल पावर 2, 3 6, 1/6। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है।